लैंड फॉर जॉब स्कैम में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन काफी तेज हो गया है। ईडी ने आज दिल्ली, बिहार और यूपी में करीब 12 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली है और ये छापेमारी लालू यादव और उनके करीबियों के यहां पर पड़ी है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी। लैंड फॉर जॉब मामले में ये कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है, तो दिल्ली से लेकर पटना तक ईडी का एक्शन जारी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अलग अलग ठिकानों पर रेड डाली गई है और आरजेडी के पूर्व विधायक के घर रेड, दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर रेड मारी गई है। लालू यादव और उनके पूरे परिवार के अलग अलग ठिकानों पर और करीबियों पर हर जगह यहां पर ईडी का एक्शन हम देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे साथ और डिटेल्स के लिए जी मीडिया संवाददाता रजनीश कुमार है। रजनीश, ईडी का एक्शन दिल्ली टू पटना लगातार हम देख पा रहे हैं, लालू यादव उनकी पत्नी और साथ ही पूरे परिवार के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी, फिलहाल आप बताइए क्या ताजा इन्फॉर्मेशन है? देखिए, हम अभी एसपी वर्मा रोड पटना का ये और सुकृति कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कार्रवाई है वो चल रही है और ये दफ्तर है थर्ड फ्लोर पे सुकृति कॉम्प्लेक्स में। और जो अबू दोजाना है, जो लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं और पहले विधायक भी रहे हैं, इनका ये दफ्तर है और इस दफ्तर में ईडी की टीम जो है वो साक्ष्य को खंगालने में जुटी हुई है। इसके अलावा नीचे अगर कहें तो सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ के करीब दर्जन भर जवान जो है उनकी उपस्थिति है, महिला जवान भी है सीआरपीएफ के और पुरुष भी है, और इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के जो जवान है वो भी उनकी मौजूदगी है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो फुलवारी शरीफ पट्टा में अबू दोजाना के आवास है वहाँ भी जो जांच पड़ताल है वो चल रही है और करीब दर्जन भर अधिकारी जो है ईडी के घर पर जो है वो साक्ष्य खंगालने में लगे हुए हैं। तो जो जिस तरीके से इनपुट मिली थी और सीबीआई ने पहले राबड़ी देवी फिर लालू प्रसाद यादव और जिस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर पूरा मामला चल रहा था और उसके बाद जो रिपोर्ट जो मामला आया है इनपुट ईडी के पास, और ईडी जो है करीब करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पर देश भर में जो है लालू प्रसाद यादव, उनकी 3 बेटियां, उनके जो करीबी हैं, उनके सहयोगी हैं, निकट संबंधी, इन जगहों पर छापेमारी जो है वो चल रही है। 2 जगह पटना में एसपी वर्मा रोड और फुलवारी शरीफ में। और इस तरीके से अब ये जो पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग या फिर पैसों का जो लेन देन और फिर किस तरीके से उसको खपाया गया है या क्या कुछ वस्तुस्थिति है, यहाँ से बगल में एक मॉल है, उस मॉल का जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी अबू दोजाना की है जिसके ऑफिस जो है यहाँ पे एसपी वर्मा रोड के इस सुकृति कॉम्प्लेक्स में है। तो कुल मिलाकर जांच पड़ताल जो है वो चल रही है और आगे अभी लगता है अभी और समय इसमें लगेगा। और ऊपर में जो 2 फ्लैट्स है जिसमें कार्यालय है 305 और 306 यहाँ पे सघन पूछताछ की जा रही है। इसके पहले यहाँ पे जब ईडी की टीम पहुंची थी तो जो गार्ड है यहाँ पे और लिफ्टमैन सबके फोन जो है अपने पाले में जब्त करके और उसके बाद जांच पड़ताल की काम कार्रवाई जो है वो शुरू की थी। बाद में फोन जो है इन्हें लौटा दिए गए हैं और सघन जांच पड़ताल जो इनपुट मिली है जिस तरीके से सूचना है ईडी को उस आधार पे साक्ष्य जुटाने से लेकर तमाम बातों को लेकर और अपने जांच की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाने को लेकर इन जगहों पर छापेमारी चल रही है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है ईडी की कार्रवाई से लालू परिवार को लेकर। बिल्कुल, तो तस्वीरें सीधी आप हमारे सहयोगी रजनीश के द्वारा देख पा रहे हैं, पटना में वो इस वक्त है और किस तरह अलग अलग छापेमारी से ईडी तमाम सुराग या उसका जो पूरी छापेमारी है, पूरी कार्रवाई है वो करने की यहां पर कवायद आगे बढ़ा रही है। फिलहाल जानकारी के लिए रजनीश आपका धन्यवाद करेंगे। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी ईडी का एक्शन है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा। 20 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी की जा रही है।